ये ग्रीष्म ऋतु का अप्रैल महीना है और 40 गांव शहर में एक नए दिन की शुरुआत। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बसा ये शहर करीब 1,00,000 लोगों का घर है। इस शहर में करीब दर्जनों मंदिर और मस्जिद हैं, लेकिन यहां स्थित हजरत पीर मूसा कादरी या बामोशी बाबा दरगाह का एक अलग महत्व माना जाता है। महेंद्र चौधरी पेशे से कानूनी सलाहकार है और आज वो एक खास काम से 40 गांव आए हैं। वो पिछले 30 सालों से तलवार बाबा के प्रशंसक हैं और आज वो फिर उनकी दुआ लेने पहुंचे हैं। नारायण जी की दुकान पिछले 5 दशकों से तलवार बाबा के परिसर में स्थित है और उनकी ये एक ऐसी दुकान है जो एक हिंदू चलाता है। धूप छांव की परवाह ना करते हुए रोज हजारों लोग बाबा की भक्ति और साधना में मदहोश हो जाते हैं। माना जाता है कि पीर मूसा कादरी बाबा सफेद घोड़े पर सवार होते थे। डोंगरी नदी के किनारे रहते समय उनकी सेवा देशमुख और मिर्जा नामक लोगों ने की। जब उनका इस दुनिया से जाने का समय आया, तभी उन्होंने अपनी तलवार देशमुख को दी और जवारात मिर्जा को। बाबा कहते, इस तलवार के रहते वो कभी पराजित नहीं हुए। उनके निधन वर्ष उनकी समाधि यहाँ बनाई गई और वहीं हजरत पीर मूसा कादरी या बामोशी बाबा की दरगाह कहलाने लगी। बालचंद्र देशमुख शहर विकास में कार्यरत है। रोज स्वरूप वो आज भी अपने दफ्तर के लिए तैयार हो रहे हैं, पर उनका फर्ज सिर्फ वहीं खत्म नहीं होता। वो देशमुख परिवार के वंश है। बामोशी बाबा की तलवार अब बालचंद्र की जिम्मेदारी है। बामोशी बाबा की तलवार अब बालचंद्र जी की निगरानी में तलवार भवन में रखी और पूजी जाती है। ऐसा नहीं कि बालचंद्र पहले से ही इतने धार्मिक और आस्थावान थे, पर उनकी जिंदगी में हुई कई घटनाओं ने उन्हें बाबा की माया पे विश्वास करने पर प्रेरित किया। उसी दौरान महेंद्र चौधरी एक और सफल और प्रभुत्व भेंट का स्मरण करते हैं और कई लोग उसी स्वरूप एक प्रफुल्लता महसूस करते हैं। शाम का ये समय मगरीब की नमाज का हो चला है। बामोशी बाबा की दरगाह साधारण से असाधारण के लिए आशा और सुनहरे कल का एक मसीहा ही कहलाएगी। तलवार बाबा उनके प्रशंसकों के लिए विश्वास और श्रद्धा का एक नाम है, तो कईयों के लिए वो एकता और सद्भावना का एक प्रतीक।